नमस्कार मित्रों और मेरे सहपाठियों, हम एक बार पुनः आपके अनुरोध पर इसे फिर से शुरू कर रहे हैं और प्रयास करेंगे हम कि ये लगातार जारी रहे। सीधे प्रश्न शुरू करते हैं। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग मतलब अगर हम देखें सिंधु नगरों की मुख्यता, सिंधु नगर दो भागों में बटे हुए हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी। याद करने की जरूरत नहीं, हमेशा आक्रमण पश्चिम से होते हैं, इसलिए पश्चिम क्या होगा? दुर्ग होगा और पूर्वी जो होगा वो नगर टीला होगा। कुछ नगर की हम बात करें, धौलावीरा की बात करें, तो तीन भागों में बटा हुआ है, पूर्व, मध्य और पश्चिम में बटा हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जहां पर विदाउट फोर्टिफिकेशन, विदाउट साइटेडल, जहां पर कोई दुर्ग नहीं है, तो वो शहर है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो आपने सुना होगा, चन्हुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। हम मोहन जोदड़ो की बात करें तो मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के दाई ओर है, तो चन्हुदड़ो बाई ओर है। चन्हुदड़ो फेमस है यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के लिए, लिपस्टिक यहाँ पर मिलती है, मनके बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर चन्हुदड़ो में मिलती है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा मध्य राजस्थान में है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। नाम से ही आपको समझ में आएगा कालीबंगा क्या है। कालीबंगा पहले हम पढ़ते थे कि गंगानगर जिले में, पर वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आ गया है कालीबंगा। और कालीबंगा प्राचीन सरस्वती भी कह सकते हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें हवन वेदियां भी मिली हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। हड़प्पा की बात करें तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। सबसे पहला नगर जो खोजा गया है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा को जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हम कई बार बात करते हैं सभ्यता का वास्तविक नाम क्या होना चाहिए, तो अनेक लोगों ने अलग अलग तरह की बात की, पर वास्तव में इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर भी हमें, जैसे कि हम बात कर ले आलमगीर, बातपुर बात कर ले, गुजरात के स्थल की बात कर ले, सब सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर है, इसलिए इसका बेहतर नाम हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा बेहतर होगा। मोहनजोदड़ो दाएं तट पर है, सिंध के लरकाना जिले में है, वहीं हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। खैर, अगले प्रश्न में चलते हैं कि भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इज इंडिया वॉज बोरोड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फ्रॉम। अब आपको आंसर में ही कॉलोनियल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से लिया हुआ है। तो कलेक्टर का पद हमने लिया हुआ है इंग्लैंड से। आपको औपनिवेशिक अवधारणा से ही समझ में आता है कि कलेक्टर जो है एक प्रकार का पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता था, और कलेक्टर का पद जो है पहली बार अगर हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में शुरू होता है कलेक्टर। बाद में इसके लिए परीक्षा आयोजित होने लगी और वर्तमान में से हम आईएएस के नाम से भी जानते हैं, तो आईएएस के पद पर एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम पर भी हम बात करेंगे कलेक्टर की। जिलाधीश के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में 1772 में शुरू हुआ था, इसके पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था। डूरंड लाइन किसके बीच की सीमा बात करते हैं? देखिए, डूरंड लाइन की बात की जाए तो डूरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी। तो यहां पर किस भारत की सीमा किसके साथ निर्धारित करती है? अगर हम भारत की सीमा की बात करें तो भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ। अगर हम पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं, जैसा कि हम मानते ही हैं, तो डूरंड लाइन जो होती है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से देखें तो डूरंड लाइन मूलतः जो बनाई गई थी वो 1893 में बनाई गई थी अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। आज उस ब्रिटिश इंडिया को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसलिए बेटर आंसर होगा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसलिए उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ये बेटर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मोर्टिमर डूरंड ने इस लाइन को बनाया था और इसमें अफगानिस्तान के अमीर थे अब्दुल रहमान खान, उन्होंने इस लाइन को एग्री किया था, जिससे हम ब्रिटिश इंडो और अफगान बॉर्डर को तय किया गया था। तो डूरंड लाइन मूलतः किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 2640 किलोमीटर है डूरंड लाइन, 1893 में हुआ, इस पर साइन हुआ 12 नवंबर 1893 को। ये एक ऑफिशियल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन उस समय के ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के किस शहर को 1 अप्रैल 2016 से कैरोसिन फ्री कर दिया गया है? तो कौन सा शहर ऐसा है जो कैरोसिन फ्री सिटी है इंडिया का? तो चंडीगढ़ जो है वो कैरोसिन फ्री कर दिया गया है चंडीगढ़ को। आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव अभी भी पीडीएस में कैरोसिन चला रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर कैरोसिन फ्री हो गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से यहाँ पर
गैस प्रदान की जा रही है। चंडीगढ़ जो है पहला है कैरोसिन फ्री सिटी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक योजना प्रारंभ की है, किसान श्रम योगी मन धन योजना। तो ये योजना नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से शुरू की है? ये योजना मध्य प्रदेश गुजरात से स्टार्ट की है नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात उनका खुद का गृह राज्य है, वहां से इन्होंने किसान श्रम योगी मन धन योजना शुरू की है। इसमें किसानों को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 12 सितंबर को इन्होंने रांची में भी उसका उद्घाटन किया था। 60 की उम्र के बाद के किसानों को 3,000 रुपये मंथली पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। अगर हम केंद्रीय कृषि मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय का आंकड़ों के अनुसार लगभग 8,36,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 9 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है। किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसान वाला ले सकता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये मासिक अंशदान करना पड़ेगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर करेगा, और 60 साल होने के बाद उन्हें 3,000 रुपये मंथली मिलेंगे। करना क्या होगा, पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड बताना पड़ेगा, अपना खसरा खतौनी की नकल ले जानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की 2 फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। इसकी कोई फीस नहीं होगी और इसके लिए किसान का पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। LIC के हाथों में इसका प्रबंधन दिया गया है। यह है किसान श्रम योगी मनधन योजना। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, पर फ्लोरोमीथेन, पर फ्लोरोहेक्सेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी इन्हीं गैसेस को माना हुआ है कि ये गैसेस जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कहलाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है? अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल है 338। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। अगर हम इसकी बात करें 338 की, तो 338 में था नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST दोनों थे। 65th अमेंडमेंट हुआ 1990 में, जिससे हम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बन गया इन 1992। 89th अमेंडमेंट 2003 हुआ, तो स्प्लिट कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया, जनजाति आयोग अलग हो गया। तो 338A में लिखा हुआ नेशनल कमीशन फॉर SC। और फिर 123rd अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, इसमें हमने लिखा हुआ है कि भाई जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको भी हमने एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। 338B, एक न्यू आर्टिकल एंटर किया है 338B। कौन सा त्यौहार गौंड जनजाति द्वारा नहीं मनाया जाता है? गौंड जनजाति मड़ई है, घोटुल है, बागपंथी है, ये त्योहार मनाती हैं। सुअ नृत्य की बात करें, सुअ नृत्य जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नृत्य है, और इस नृत्य में धान की टोकरी में सुअ अर्थात पैरट मिट्ठू को बिठाया जाता है, और भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती की पूजन की जाती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में होता है सुअ नृत्य। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हैं APJ, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। विक्रम सेठ की पुस्तक है गोल्डन गेट अ सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट एंड अ सूटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की आप बुक याद रखेंगे। अनीता देसाई है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दलाई लामा की बुक है फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप जो एक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में हुआ? अगर हम देखें हाल में ही काफी चर्चा में था ये टाइगर ट्रंप, तो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, नवंबर 2019 में, जिसमें US के मैराइन क्रॉप्स
अपनी आर्म्ड व्हीकल के साथ आए और इंडिया के 3 डिफेंस फोर्सेस जिसमें हेलीकॉप्टर, इन्फेंट्री यूनिट और शिप ने इसमें भाग लेने का काम किया, टाइगर ट्राइब। इसमें मुख्य जोर था डिजास्टर और रिलीफ मैनेजमेंट का, वो था इसमें। और इसकी घोषणा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने आप ऑलरेडी कर चुके थे हाउडी मोदी इवेंट में ह्यूस्टन में, इसके बारे में चर्चा की थी। और एक्सरसाइज फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विशाखापट्टनम में हुई थी। ऑफिशियली जो है हार्बर फेज है इसका, 13 से 16 नवंबर तक चला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन मगसा मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा? देखिए, इसमें मगध राज्य की राजधानी कौशाम्बी कभी नहीं रहा, गिरिव्रज जो है वो राजधानी रही शुरुआत में जब जरासंध ने गिरिव्रज को राजधानी बनाया था, और मगध नरेश बिंबिसार ने इसे राजगृह को राजधानी बनाया था, और उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। आप एक काम करिए, लिस्ट बनाइए, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, फिर शिशुनाग, वैशाली, फिर अगेन पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र कंटिन्यू चलती रहेगी, फिर आएगा मौर्यत्तर काल। तो मौर्यत्तर काल में राजधानी फिर से कनिष्क जाएंगे, शक तो अलग अलग राजधानियां बन जाएंगी, कनिष्क की बन जाएगी पेशावर, शकों की उज्जैनी प्रसिद्ध राजधानी रहेगी, फिर दोबारा गुप्तों के समय पाटलिपुत्र का पुनरुत्थान होगा, फिर हर्ष के समय कन्नौज राजधानी बन जाएगी, और फिर उसके राजपूत काल अलग बिखर जाएंगे, अलग क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाएगा, फिर दिल्ली सल्तनत आएगी तो दिल्ली राजधानी बन जाएगी, फिर मुगल आएंगे तो कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी फतेहपुर सीकरी, इस तरह से राजधानियां बनेंगी। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात राजधानी जो है वो कलकत्ता होगी, फिर दिल्ली होगी, फिर नई दिल्ली होगी, इस तरह क्रम में आपको पूरा याद कर लीजिएगा। कौशाम्बी जो है बस की राजधानी रही है, बस महाजनपद की राजधानी रही है कौशाम्बी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में संविधान सर्वोच्च है, विधि का शासन मान्य है, संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, भारत धर्मप्रिय। आसान प्रश्न है, भारत धर्म निरपेक्ष राज नहीं, हमारे प्रेम्बल में क्लियरली मेंशन है इंडिया सिकुलर स्टेट है, तो भारत एक धर्म, धर्म निरपेक्ष का मतलब नास्तिक नहीं है, धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, परंतु राज्य का कोई धर्म नहीं है, और राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 2014 में किसे प्राच्य भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें इंडिया में, तो किसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत में दे दिया गया है? लेकिन बात चल रही है ये 2014 की, तो 2014 में दिया गया है ओडिया, जिसे पहले उड़ीसा भाषा या उड़िया भाषा की बात की थी, अब उस भाषा को हम कहते हैं ओडिया भाषा। गुजराती नहीं है, बांग्ला नहीं है, एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, डोगरी पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है भारत में। भारत की बात की जाए तो भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज्ड की हैं भारत में। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल एक लैंग्वेज है जो क्लासिकल पहली लैंग्वेज है, और तमिल भाषा जो है भारत में बोली जाती है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, यहाँ पर भी तमिल भाषा बोली जाती है, पौंडीचेरी में भी इस तमिल भाषा। संस्कृत जो है इंडो आर्यन परिवार की एक भाषा है संस्कृत, जो आज भी मैटूर, उड़ीसा, बांसवाड़ा, सिमोगा डिस्ट्रिक्ट में और नेपाल में भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। 2005 में संस्कृत को हमने शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया था। कन्नड़ भी एक लैंग्वेज है, इसको 2008 में हमने डिक्लेयर किया था क्लासिकल लैंग्वेज। तेलुगु को हमने 2008 में किया था, मलयालम 2013 में किया था, और ओडिया 14 में किया था। इसके लिए हमने क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया हुआ है। फायदा क्या है क्लासिकल लैंग्वेज का? पहला फायदा है क्लासिकल लैंग्वेज का कि कोई भी व्यक्ति इस भाषा में अगर कोई साहित्य का रचना करता है तो उसको इंटरनेशनली अवार्ड मिलने की बात है, और दूसरी बात है कि सरकार इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करती है फॉर द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसके लिए ग्रांट्स मिलती है जिसके माध्यम से इसके लिए एक विशेष पीठ की स्थापना कर सकती है इन क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? 6। 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु, 2013 में मलयालम, और 2014 में उड़िया। मैंने आपको इसके फायदे ही बताए कि क्या क्या इसके लाभ भी भारत को प्राप्त होते हैं। ब्यास समिति का संबंध किससे था? तो ब्यास समिति का संबंध माइक्रो फाइनेंस से है, एक प्रकार की कृषि साख समिति है ये ब्यास समिति, जो कि माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा बनाई गई है 2004 में, तो प्रोफेसर V.S. व्यास के नेतृत्व में बनाई गई है, जिसमें यह देखना है कि नाबार्ड का रोल क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस बोर्ड का क्या काम है,
तो ये इसके लिए ब्यास समिति का निर्माण किया गया था। रूलव निशान इजुद्दीन किस देश के द्वारा नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है? तो नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मालदीव को के द्वारा दिया गया है। नरेंद्र मोदी की बात करें, अगर हम नरेंद्र मोदी को काफी इनाम मिले हैं, अगर मैं उसकी लिस्ट की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साउद सऊदी अरब ने दिया है 2016 में। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान ने 2016 में प्रदान किया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड फिलिस्तीन ने दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई के द्वारा 2019 में दिया गया है। ऑर्डर ऑफ एंड्रू अवार्ड सेंट एंड्रू रशिया ने दिया है 2019 में। ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव ने 2019 में दिया है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 में दिया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया है। नॉनस्टिक बर्तन पर किसकी चरण परत चढ़ी होती है? तो आपको पता है टेफ्लॉन है, वो टेलॉन नहीं है, उसको इंग्लिश में देखें तो टेफ्लॉन की लेयर जो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है, पाइप बनते हैं। एसटीसी एक्ट में निवारण अधिनियम 1982 में क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो अगर हम देखें तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत, एंटीसिपेटरी बेल पूरी तरह निषिद्ध है। बिमला बिमला डांस किस ट्राइब्स के बीच में लोकप्रिय? बिमला डांस इज फेमस फॉर विच ट्राइब्स? बिमला डांस देखें हम, बैगा बैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में रहती है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगी हुई मंडला है, डिंडोरी है, यहाँ पर बैगा ट्राइब निवास करती है। और बैगा जो है मध्य प्रदेश की विशेष जनजाति में आती है बैगा ट्राइब्स। मंदर नामक यंत्र बजाते हैं इन लोग। कुरकू आपको पता होगा, कुरकू मध्य प्रदेश में दक्षिणी भाग में रहती है, सहारिया ग्वालियर चंबल संभाग में रहती है, गौड़ नर्मदा के किनारे और विंध्य पर्वत के किनारे आपको और गौड़ ट्राइब्स मिल जाएगी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया? आसान प्रश्न है, 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। हाल में ही गौरी लंकेश पुरस्कार समाचार में था, ये गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपने सुना होगा गौरी लंकेश के बारे में, आपको काफी आइडिया होगा, काफी चर्चा में रहा है गौरी लंकेश, जो कि एक पत्रकार थे, इसलिए पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाली महिला हैं, बेंगलोर में एक्टिविस्ट हैं, और लंकेश पत्रिके एक कन्नड़ वीकली निकालती थी। 2017 में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, 5 सितंबर को गौरी लंकेश को जो है मार दिया गया था। संगम काल में प्राचीन भारत के किस काल से मेल खाता? संगम काल की बात करें तो संगम काल मुरित्तर काल से मेल खाता है, क्योंकि संगम काल में हम देखें चोल चेर पांड राज्य थे और संगम साहित्य का निर्माण हुआ, 3 संगम हुए। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल के द्वारा लिखी गई है, और चोल चेर पांड 3 वंश थे इस संगम काल के। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है, सबसे पहली बार जो लिखित संविधान है वो अमेरिका से तैयार हुआ है। सर्वोच्च है भारत का, वहां पर भी न्यायिक पुनरालोकन है, और एक लिखित संविधान है अमेरिका का, 11 राज्यों ने इसकी पुष्टि हुई, और 4 मार्च 1789 से ये अमेरिका का संविधान प्रभावी हुआ। लगभग 27 बार संशोधित हो चुका अमेरिकी का संविधान। कावेरी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी रिवर के बारे में देखें तो कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, कावेरी नदी, और भारत की सबसे विवादित नदियों में से एक है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की तीसरी बड़ी नदी है गोदावरी और कृष्णा के बाद अगर हम देखें तो, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी बहती है। यद्यपि इसका जो जल अपवाह प्रणाली है वो कर्नाटक केरल पौंडीचेरी तमिलनाडु से जुड़ी हुई है, पर अगर बहकर गुजरने की बात करें तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है ये नदी। इसकी सहायक नदी में अगर हम बात करें हेमावती है, सिमसा है, अर्कावती है,
लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, भवानी, नोयल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। रिवर बेसिन जो है वो तीन राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेशों में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पौंडीचेरी में है। नदी बेसिन की बात अगर हम करते हैं तो इसलिए इसका उत्तर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु, तो केरल नहीं होगा उसका उत्तर, गुजरती पूछा गया। अगर उसका नदी बेसिन होता तो करेक्ट आंसर था। जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जो है वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पूछा जा रहा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। जापान का हिरोशिमा, जहां पर आपको पता है कि बम गिराए गए थे हिरोशिमा में, और अगर हम बात करें टोक्यो जो है वो वहां की राजधानी है, मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में शहर है। तो कुछ लोग अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं और कुछ लोग, दक्षिण का मैनचेस्टर भी है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न है। 25वां 15वें भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में होगा? थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो महात्मा गांधी के भारत आगमन को लेकर है, और ये जो भारत का जो विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, जिससे हम भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोग, एनआरआई जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ हम अपने आपको जोड़ सके, अपने संबंधों को बेहतर कर सके। इसके साथ फिक्की भी जुड़ जाता है, सीआईआई भी आ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन एजेंसी भी इसके साथ मिलकर सहयोग करती है इस बारे में। 2003 में पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और पहली बार तीसरा सम्मेलन दिल्ली के बाहर मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और फिर हैदराबाद, फिर नई दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर जयपुर, फिर कोची, फिर गांधीनगर, बेंगलुरु, और 2019 का बनारस में किया गया, 2019 का बनारस में किया गया। ये मैंने जगह इसलिए बताई जिसमें आपको याद रखे, कई बार प्रश्न आ जाते हैं इनमें से किस स्थान पर कभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन नहीं हुआ, तो वो भी आपसे बनना चाहिए। तो ये है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इसके अलावा हमारा होता है क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, जो भारत के बाहर किया जाता है। पहली बार 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ, पहली बार 2007 में न्यूयॉर्क में किया गया, और 2018 में सिंगापुर में किया गया, जो 10वां था हमारा। अगले प्रश्न की चलते हैं। कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सुचालक मतलब जिसमें कंडक्टिविटी हो, तो कंडक्टिविटी के लिए मिनरल्स चाहिए, मिनरल मतलब जिसमें लवण होने चाहिए, तो वो खारा पानी मिलेगा सबसे अच्छा है। वैसे ठंडा पानी भी हो सकता है, गर्म पानी भी हो सकता है, लेकिन आसुत जल बिल्कुल नहीं होगा, आसुत जल कुचालक होगा, पर यहां पर सबसे अच्छा होगा स्लाइन वाटर। ST SC Act 1989 में अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न से क्या उपधारित कर सकता है, क्या एजम्पशन कर सकता है, क्या उसकी धारणा हो सकती है, वो होगी सभी। तो यहां पर आ जाएगा सभी आएंगे कि मतलब वो अबेटमेंट, इंटेंट, जनरल पर्पस, समान उद्देश्य को भी देख सकता है ST SC Act 1989 के तहत। अलाउद्दीन खान संगीत समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो अलाउद्दीन संगीत समारोह सतना जिले पर आयोजित किया जाता है, सतना जिले के मैहर में किया जाता है। अलाउद्दीन खां जो त्रिपुरा में जन्मे और मैहर के महाराज ब्रजनाथ सिंह के आमंत्रण पर मैहर में आए, तो मैहर के राजा, उनकी पत्नी उनकी शिष्या बन गई, और यहीं पर उन्होंने अपनी कर्मस्थली बना लिया, और माँ शारदा के अनन्य भक्त बनकर संगीत की आराधना करने का काम अलाउद्दीन खान ने किया। अलाउद्दीन खान ने जो है विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों को लेकर एक मैहर बैंड की भी स्थापना की अलाउद्दीन खान ने। देवास में होता है कुमार गंधर्व समारोह होता है, उज्जैन में कालिदास समारोह होता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई थी। किस फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ऑस्कर के लिए अभी हाल में ही गली बॉय मूवी को चुना गया ऑस्कर के लिए।
जिसमें रणवीर कपूर ने रणवीर सिंह ने सॉरी एक रैपर की भूमिका निभाई है इस फिल्म में गली बॉय को। उरी जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी हुई फिल्म है जो भारत ने अपना गौरवपूर्ण सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस पर बनी हुई है। भारत से पहली बार 1957 में नॉमिनेटेड मूवी थी मदर इंडिया। मदर इंडिया महबूब खान की मूवी थी भारत की जो उसके लिए नामित की गई थी। अगर हम दूसरी नॉमिनेटेड की बात करें तो सलाम बॉम्बे नॉमिनेट हुई थी। नॉमिनेट होना मतलब वहां पे शामिल की गई थी जबकि उसके पहले गई कब है पर नॉमिनेटेड नहीं हुई है। सलाम बॉम्बे नॉमिनेट हुई थी दूसरी फिल्म। तीसरी की बात करें तो तीसरी थी लगान जो नॉमिनेट हुई थी। गांधी ऐसी पहली फिल्म है जिसे ऑस्कर में पुरस्कार मिला हुआ था। भानु थैया को मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सत्यजीत रे को मिला था ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर पाथेर पंचाली। रसूल पक्कुटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग मिला था स्लमडॉग मिलेनियर के लिए। एआर रहमान गुलजार को स्लमडॉग मिलेनियर के लिए भी पुरस्कार मिला है। तीन मूवी जो है भारत की अभी तक बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए गई है। इस बार गली बॉय को भेजा गया। कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह बर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया कांची का। देखिए एक और कंफ्यूजन होता है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया, विच इज मोनोलिथिक टेम्पल, एक ही पत्थर से बना, वो कृष्ण प्रथम पल्लव राजा ने सॉरी राष्ट्रकूट राजा के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव राजा नरसिंह बर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा का राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने। 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट है फर्स्ट टाइम अमेंडेड इन 1986। कौन सा मैच करता है टीक देवदार चंदन सुंदरी? टीक कहना होता है सागौन। सागौन मिलता है मध्य प्रदेश में, मिलता है छत्तीसगढ़ में मिलता है। देवदार एक हिमालयन टेम्परेट एरिया का है, शीतोष्ण क्षेत्र का है, तो वो मिलेगा जम्मू कश्मीर। चंदन मिलते हैं कर्नाटक में। सुंदरी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। सुंदरी के कारण ही हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। एक प्रकार का मैंग्रोव फॉरेस्ट का हिस्सा है सुंदरी। मैच करिए मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, इयान थोर्प और हरभजन सिंह। सुमेलित नहीं है तो हरभजन सिंह को द बॉल के नाम से नहीं जानते, द बॉल के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को, हम द बॉल के नाम से जानते हैं। जनवरी 2019 में किस ऐतिहासिक स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन 122वीं जयंती नेताजी की, पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय की स्थापना उद्घाटन किया है लाल किले पर। पायरिया क्या है? तो पायरिया की अगर हम बात करें तो पायरिया एक मसूड़ों की बीमारी है जो एंट अमीबा जिंजीवैलिस नाम के प्रोटोजोआ से होती है। पायरिया देखिए दो तरह की रोग है, एक स्कर्वी होता है, स्कर्वी और पायरिया के सिम्टम लगभग एक जैसे होते हैं, पर पायरिया जो होता है वो एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। एसटीएससी एक्ट के तहत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में? 17 आर्टिकल में दिया गया। 17 में लिखा है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 20 में लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, 19 में लिखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम लिखिए, काफी टाइप्स की फ्रीडम है, 18 में लिखा है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। मध्यप्रदेश के किस चित्रकार को गुरु जी कहा जाता है? तो विष्णु चिंचकार को गुरु जी के नाम से जाना जाता है, विष्णु चिंचलकर जी। 1917 में देवास जिले में जन्मे हैं और मकबूल फिदा हुसैन पंडरपुर के हैं, देवलालीकर इंदौर के हैं। सैयद हैदर रजा का संबंध नरसिंहपुर दमोह से है, हाल में इनकी मृत्यु हुई है, पद्म विभूषण मिला है सैयद हैदर रजा को। कौन शांति निकेतन के संस्थापक है? तो शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो एक लेखक हैं, चित्रकार हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सुधारक हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस पुस्तक लिखी है, चित्रा पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और विनोबा भावे जो हैं भूदान आंदोलन के जनक हैं और पहले सत्याग्रही बने 1940 में गांधी जी के। महात्मा गांधी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, ना जवाहरलाल नेहरू। हाल में हाउडी मोदी कार्यक्रम किस में? तो हाउडी मोदी जो है ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम हुआ है,
अमेरिका के शहर में हुआ, जो काफी सफल रहा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे मोदी जी ने भाषण देने का काम किया हुआ है। तो इसमें भारतीय जनता ने एक ऑर्गेनाइज किया है एक कार्यक्रम, यूएस बेस्ड वॉलंटियर ने किया है, ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है, हाउडी मोदी जो ऑर्गेनाइज बाय द यूएस बेस्ड वॉलंटियर, कोई पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं, नॉट ऑर्गेनाइज पार्टी ऑफ गवर्नमेंट। ये टेक्सास इंडिया फोरम के द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम हाउडी मोदी, टेक्सास इंडिया फोरम के द्वारा आमंत्रित किया गया, सितंबर 22 एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन में किया गया, 50,000 लोगों ने लगभग इसे अटेंड किया है एनआरजी स्टेडियम में। टेक्सास इंडिया फोरम इनकॉर्पोरेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाने का काम करता है, एडवांसिंग द शेयर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो इसके लिए TIF काम करता है। इसका जो सोबिनियर था वो था वूविन इंडिया वर्सेस अमेरिकन ड्रीम, स्पॉन्सर किया था ओयो ने, टेलुरियन ने एंड वॉलमार्ट ने। कौन सी वस्तु विजयनगर के साम्राज्य पर बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती थी, विच गुड्स जो है सबसे ज्यादा निर्यात की जाती थी विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें, वहां से सबसे ज्यादा की जाती थी काली मिर्च, और काली मिर्च जो आपको पता है रोमनों को काफी प्रिय थी, तो वहां पर वो निर्यात की जाती थी। चाय पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाय जो है वो पुर्तगाली भारत लेकर आए, कॉफी जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों पर लेकर आए अरब से आई कॉफी, तो इसलिए उत्तर होगा काली मिर्च। हिंदी में थोड़ा ध्यान देखें, काली मिर्च लगा, इंग्लिश में करेक्ट लगा पेपर। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो 21 की अगर हम बात करें तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो दोनों के विरुद्ध निर्णय देता है। देखो ध्यान देंगे, इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब यह है कि अगर कोई कानून संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो माना जाएगा, केवल यह ध्यान दिया जाएगा कि वो प्रक्रियाओं के पालन के तहत किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध ही आपको संरक्षण प्रदान करेगा। पहली जल विद्युत परियोजना भारत में 1897 में दार्जिलिंग में लगाई गई है, 1897 में लगाई गई है, 130 किलोवाट क्षमता की थी। शिव समुद्र में एक बड़ी परियोजना है जो कावेरी नदी पर 1902 में लगाई गई है, खापोली जो है वो महाराष्ट्र में है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ईडन गार्डन बिल्कुल सही है कोलकाता में है, बानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, और चेन्नई में चिदंबरम स्टेडियम है, ग्रीन पार्क कानपुर में। भारत में कमजोर वर्गों के लिए कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना, तो पहला राज्य गुजरात जिसने इसे लागू किया। निम्न से त्वचा की रंजकता पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ड्यू टू किसके कारण होता है, तो इसके होते हैं मेलानोसाइट्स के कारण होते हैं, त्वचा का रंग इसके लिए जिम्मेदार कोशिकाएं होती है, इसके लिए मेलानिन जो तत्व होता है और जो ये हार्मोन है ये हमारा निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जिससे ये हमारे रंग मिलता है। लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट लीकोसाइट ये WBC के ही पार्ट है, ग्रेनुलर्स एंड नॉन ग्रेनुलर्स। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को कितने अध्याय धाराओं में बांटा गया, तो मानवाधिकार संरक्षण में कुल 43 धाराएं हैं और 8 चैप्टर है ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट। भूरी बाई किससे संबंधित है, तो भूरी बाई का संबंध स्वांग से है, स्वांग मतलब होता है एक प्रकार का नाटक जैसा ही होता है स्वांग। भूरी बाई एक भील जनजाति से संबंधित है जो झाबुआ से है, ये स्वांग का आयोजन करती है, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। माच एक लोकनाट है जो मालवा में आयोजित किया जाता है, माच और सबसे पुराना इस माल माच को आयोजित करने वाला संगठन है मुक्ता काशी मंच। बुंदेली में भी स्वांग होता है, फोक डांस होता है बुंदेली में। खम्ब स्वांग जो है वो कोरकू जनजाति करती है। नौटंकी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाला एक फोक ड्रामा कहा जाता है। मैच करना है हमको कि कौन किससे संबंधित है,
तो हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, जिंक लिमिटेड, हैवी मशीन इलेक्ट्रिक। तो जिंक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे सरल इस पर देखो आपने ज्योग्राफी पढ़ेगी तो ये होगा उत्तर आपका उदयपुर, तो सी का होना चाहिए फोर, तो कितने में है सी का फोर, एक ही में है, तो आंसर आ गया डी। इस तरह से हमें मैच कर लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जो होगा वो रूप नारायणपुर में होगा, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स चेन्नई में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रांची में। हाल ही में विश्व राइनो दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया? हाल ही में विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। ये गैंडे की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया गया। उल्लेखनीय कि दुधवा नेशनल पार्क में विश्व की एकमात्र गैंडा पुनर्वास परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किस संधि से, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपल की संधि समाप्त हुआ है। दूसरा हुआ है पौंडिचेरी की संधि से, तीसरा हुआ है पेरिस की संधि से। पहला एक्सला सैपल, दूसरा पौंडिचेरी, तीसरा पेरिस। ये आंग्लो फ्रांसीसी के मध्य होने वाले संघर्ष की कहानी है। केंद्रीय सरकार में सचिवालय प्रभार किसके अंतर्गत आते हैं? तो केंद्रीय सरकार में सचिवालय प्रभार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है। काली क्रांति का संबंध किससे? काली क्रांति क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है। वैकल्पिक नोबल के नाम से किसे जाने? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को हम वैकल्पिक नोबल के नाम से जानते हैं, जो 1980 में प्रारंभ हुआ है स्वीडन से। वैकल्पिक नोबल रैमन मैग्सेसे को हम एशिया का नोबल कहते हैं, 1957 से फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। गोल्डमैन अवार्ड जो है 1989 से प्रारंभ है, यह पर्यावरण पुरस्कार जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, इसे ग्रीन नोबल भी कहते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी कहते हैं, रैमन मैग्सेसे को एशिया का नोबल कहते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से प्रारंभ है, 1917 से जो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। मध्यप्रदेश का पहला कोरकू रेडियो स्टेशन किस जिले में किया गया? तो पता ही कोरकू कहां रहते हैं, खंडवा में स्थापित किया गया, खंडवा के खालवा नामक जगह पर किया गया है। जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है, वान्या कहते हैं उसके द्वारा किया गया है। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर विद इन 20 से 25 किलोमीटर पर काम करेगा एक कोरकू क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करने के लिए। और मध्यप्रदेश का पहला ट्राइबल रेडियो सेंटर भाभरा में स्थापित किया गया, पहला कहां पर स्थापित किया गया, भावरा में किया गया। बैगा के लिए स्थापित किया जाएगा डिंडोरी जिले में और बालाघाट जिले में। गौड़ के लिए किया जाएगा बैतूल में। भील के लिए किया जाएगा धार जिले में, मेघनगर में और गुना जिले में। सहारिया के लिए किया जाएगा शिवपुरी में। भारिया के लिए किया जाएगा छिंदवाड़ा में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत होने वाले फायदे का वर्णन करिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई है, इसके तहत सभी प्रदान किए जाते हैं। 15 अगस्त 2014 को अर्थात घोषणा हुई है और 28 अगस्त को इसे लागू किया गया है। कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो पूंजीवाद में तो कैपिटलिज्म में उत्पादन साधनों निजी उत्पादन बाजार बेचने के उत्पादन श्रम सेवाओं की बिक्री एवं खरीद, तो 1, 2, 3 सभी कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में हुई, इसका मुख्यालय भोपाल में। डिजिटल घर में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल घड़ियों में हम एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हाल में ही खिलाड़ी दिविज शरण किस खेल से संबंधित है? दिविज शरण का संबंध टेनिस से है। एशिया में नंबर वन टेनिस स्टार बन गए हैं स्पोर्ट्स रिकॉर्डिंग के हिसाब से, और इन्होंने कई एटीपी प्रतियोगिताओं को जीतने का काम किया है दिविज शरण ने। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून को हुआ, और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें मीर जाफर ने गद्दारी की। केम पनिक्कर कहते हैं कि इस युद्ध में बंगाल के सेठों ने सिराजुद्दौला को बेच दिया, वहीं से अंग्रेजी राज्य का प्रवेश भारत में होना शुरू हो गया। भारत सरकार द्वारा की प्राप्त सभी मुद्राओं को एकत्रित किया जाता है संचित निधि में, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में, इसे हम एकत्रित करने का काम करते हैं।
जब दिनों रात की अवधि बराबर होती है सूर्य की किरणें कहां पड़ती है भूमध्य रेखा पर, जब भी इक्वेटर पर सन रेज होंगी तब भी डे और नाइट आर बोथ आर इक्वल, दिस इंसिडेंट नोन एज अ इक्विनॉक्स। और हमारे यहां गर्मी कब पड़ती है, तो हमारे यहां गर्मी पड़ती है मार्च में शुरू हो जाती है, फिर जून में पड़ती है, फिर दो महीने की अगर हम बात करें सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है। देखिए 21 मार्च को सनरेज डायरेक्ट ऑन इक्वेटर, तीन तीन महीने जोड़ते जाइए आप, मार्च में तीन महीने जोड़ेंगे 21 जून आएगा, 21 जून को कहां पर होगा कैंसर पर, कर्क रेखा पर, फिर ऊपर नहीं, कर्क रेखा के कभी ऊपर नहीं जाएंगी सूर्य की किरणें, उसके बाद वो हमेशा नीचे की तरफ आएंगी, जब वो नीचे की तरफ आएंगी तो फिर तीन महीने जोड़े फिर इक्वेटर पर जाएगा, तो फिर आ जाएगा आपका सेप्टेम्बर, 23 सेप्टेम्बर को फिर होंगी इक्वेटर पर, फिर उसके बाद फिर तीन महीने जोड़ेंगे 22 दिसंबर को कहां जाएंगी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के नीचे कभी नहीं जाएंगी, फिर ऊपर आएंगी 21 मार्च आएगा, तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, दैट्स व्हाई दिस एरिया नोन एज अ हॉट जोन, इसे इसको टॉरिड जोन हॉट जोन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को हमेशा इक्वेटर पर होती है, दिस नोन एज इक्विनॉक्स, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, और जबकि जब कैंसर और कैप्रिकॉन पर होती है तो इसको हम सोलिस्टिक कहते हैं या संक्रांति के नाम से जानते हैं। ब्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ब्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला चित्रा मुद्गल है, चित्रा मुद्गल है, 2003 में आवा के लिए मिला हुआ है, भारतीय साहित्य के दिन ज्ञानपीठ का दूसरा बड़ा पुरस्कार है, जो 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, और इसको पहली बार राम विलास शर्मा को दिया गया, जिनकी पुस्तक थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। प्रभा खेतान खेतान फाउंडेशन की संस्थापिका है, नारी विषय कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य करती रहती है, और 1966-76 तक चमड़े के सिलसिले वस्त्रों की निर्यातक भी रही। मालती जोशी हिंदी लेखिका है, 2018 में पद्मश्री मिला हुआ है। मन्नू भंडारी मंदसौर में जन्मी हिंदी कहानीकार हैं, जिन्हें 2008 में व्यास सम्मान मिला है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मध्यप्रदेश की पहली स्पोर्ट मैगजीन खेल हलचल किस शहर से शुरू हुई, तो ये इंदौर शुरू हुई नई दुनिया की पत्रिका थी, खेल हलचल उसके माध्यम से शुरू की गई। संविधान स्थिति खनिजों पर किसका अधिकार होता है, तो ये अधिकार राज्य सरकार का होता है। कौन सा सही मुद्रा गणक मनी मल्टीप्लायर की बात करता है, तो मनी मल्टीप्लायर वह राशि जो प्रत्येक जमा आरक्षित से बैंक जमा आरक्षित डिपॉजिट जो आता है उससे जनरेट करते हैं। किस जिले में सैलाना वन्य जीव अभयारण्य, सैलाना सरदारपुर आपने सुना होगा, तो सैलाना जो है मध्यप्रदेश के रतलाम में है सैलाना वन्य जीव अभयारण्य। पन्ना में रेप्टाइल पार्क है, रातापानी रायसेन में है, सरदारपुर धार में है। नेटवेयर कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है, तो नेटवेयर कंप्यूटर का प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। किस शहर में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जो गृह मंत्रालय का प्रस्ताव है। पेरिस की रॉयल सोसाइटी की संस्था किससे प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। माइकल मधुसूदन दत्त ने हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र को प्रारंभ किया था, जो बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित किया गया। संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया है, तो 343 में किया गया, 343 में संघ की राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी होगी, तो 344 में राजभाषा आयोग की बात की गई। 7 जून 1955 को बीजीके की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग बनाया गया है। 319 में लोकसेवा के सदस्यों के सदस्य न रहने पर के बारे में जानकारी दी है। 323 में लोकसेवा के प्रतिवेदन दिए। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया। कौन सा जल डमरू बंद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की निकट है, तो इसमें से बैरिंग जल मध्य जो है प्रशांत महासागर को बैरिंग जल संधि से अलग करता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, रूस और अलास्का को अलग करने का काम करता है। मलक्का हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती इंडोनेशिया मलेशिया मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। लैरिडा जल संधि मैक्सिकोई खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर आपको पता है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। तो विश्व आवास दिवस जो मनाने की घोषणा 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। मध्यप्रदेश की पहली सरकारी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो मध्यप्रदेश की पहली सरकारी समिति की स्थापना 1904 में की गई थी।
परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी ऊर्जा है, जो भारत में 65% जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इससे होती है। धीरे धीरे हमें सौर ऊर्जा में जाना है जिससे प्रदूषण ना हो। मुगल काल में मुकद्दम्स क्या होते थे? मुकद्दम ग्राम स्तर के अधिकारी होते जिन्हें खुद मुकद्दम चौधरी के नाम से जाना जाता था। गांव की बेटी योजना मध्यप्रदेश में कब शुरू हुई? तो गांव की बेटी योजना 2005 में हुई, जिसमें प्रतिभावान बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 12वीं की कक्षा थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करती तो छात्राओं को हर वर्ष 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण करने वाले हैं टिम बर्नर्स-ली ने किया हुआ है। हाल में कलराज मिश्र को कहां का? तो कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी हैं, तमिलनाडु में बनवारी लाल पुरोहित हैं और केरल में मोहम्मद आरिफ खान है। विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोनी नायडू। तो अगर हम सबकी बात करें तो ये 2143 विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जुड़े हुए हैं बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से। इस होम रूल आंदोलन को 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ शुरू किया था। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है कि जब सारे नेता जो जेल में चले गए तब अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने इस रेडियो का मतलब उषा मेहता ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें से उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू धरासना से संबंधित, जहां पर भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसा की, जिसका वर्णन अंग्रेजी पत्रकार वेब मिलर ने भी किया हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में की गई है। कौन सी जर्मनी में? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित है। इसी ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। एटलस माउंटेन अफ्रीका में है, मोरक्को में है। एटलस माउंटेन प्रिनिज माउंटेन यूरोप में, जो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। प्रिनिज में जो माउंटेन है वो अटलांटिक महासागर और बिस्के की खाड़ी अगर आपने देखा इसको कनेक्ट करने का काम भी करता है। और एपिनेस जो है वो इटली में है। ESOP का पूरा नाम क्या है? ESOP का पूरा नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये कर्मचारी के हित में बनाई गई लाभकारी योजना है। इसके तहत कर्मचारी कंपनी के शेयरों का हकदार बन जाता है। मध्यप्रदेश में खनन निगम की स्थापना की गई थी। खनन निगम की स्थापना 1962 में की गई थी मध्यप्रदेश में। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ? तो जूट का सबसे ज्यादा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, यद्यपि बिहार उड़ीसा में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में मालदा, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, 24 परगना में किया जाता है। 1267 जो हाल में चर्चा रहा क्या है? ये आतंकवाद को रोकने और नामित व्यक्ति की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के ऊपर है। जवाहरलाल नेहरू पुरुष अकेडमी की स्थापना 1906 में की गई थी, जो सागर में स्थित है मध्य प्रदेश में। मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और वायरस को हटाने चुनौतीपूर्ण उड़ते हुए। इनफैक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड इन चैलेंजिंग अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दैट वायरस। दैट वायरस बूट सेक्टर, वायरस बूट सेक्टर में जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर स्टार्ट होता है। हाल में किस टीम ने 2019 में डूरंड कप जीता हुआ है? तो अगर हम बात करें इसके लिए गोकुलम केरल एफसी ने मोहन बगान को हराकर डूरंड कप अपने नाम किया। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी और विश्व की तीसरी पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। पहली बार इसका आयोजन 1888 में किया गया था। मैच करना हमको क्यों कब आया? बेबल योजना की बात करें तो 1945 में, रेडक्लिफ 1947 में, क्रिप्स 1942 में, कैबरेट 1946 में, 3142। इसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कौन सी झील विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी है? सबसे झील है बेकाल। ये 3 करोड़ वर्ष से लगभग बनी हुई है। इसकी औसत गहराई 744 मीटर है। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है, किंतु कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बेकाल का जो पानी है वो स्वच्छ है, लेकिन गहरी में बेकाल नंबर है। ह्यूरॉन जो है उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों से है। इसकी खोज फ्रांसीसी खोजकर्ता के नाम पर इसे दिया गया है। ह्यूरॉन लोगों के नाम पर रखा है। इसकी खोज करने वाले हैं, खोज की जिन्होंने इसके देश क्षेत्र में रहने वाले ह्यूरॉन लोगों के नाम पर। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यहीं से नील नदी निकलती है। विनिपेग कनाडा में स्थित झील है। 5 बड़ी झील जो है उसमें है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो जो है समुद्र से जुड़ी हुई सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा।
वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक कौन है? वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक सोली सोराब जी, सोली सोराब जी ने लिखी है। सोली सोराब जी एक भारतीय न्यायविद हैं और अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। विष्णु सहाय जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी कैबिनेट सचिव रहे हैं और असम और नागालैंड के राज्यपाल भी। चेतन भगत जो है वो एक लेखक है, इनका पहला उपन्यास 5.1, फिर है व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी, तीन विद्यार्थी उसी किताब पर 3 पुस्तक बनी, वो मूवी बनी हुई थी। फिर बहुत सारी पुस्तक है, वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर की है, अरुण जेटली के भी हाल में मृत्यु हुई जो वित्त मंत्री भी थे हमारे, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है। अगर हम वोट ऑन अकाउंट की बात करें तो वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान जो होता है आर्टिकल 116 में दिया हुआ है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र समझ, जबकि अंतरिम बजट व्यय और आवर्ती दोनों होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में युगबित समाधान कहां से मिले हुए हैं? युगबित समाधान हमको लोथल से मिले हुए हैं। युगबित समाधान धौलावीरा 3 भागों में बटा, मांडा जम्मू में है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के जिले में स्थित है। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह कॉलेज संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और गांधी मेमोरियल से संबंधित, इसका नाम ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विद्रोही अमर शहीद श्याम शाह के नाम पर रखा गया है। जौलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ग्वालियर में जीवा जी राव। कंप्यूटर हैकर से खुद को बचाने के लिए आपको चालू करना चाहिए फायरवॉल, फायरवॉल हमेशा चालू होना चाहिए। हाल में 20 का नया सिक्का लॉन्च किया, सिक्के का वजन कितना है? 20 का सिक्का जो है 12 कोनों वाला है, 8.54 ग्राम का सिक्का है। इसमें तामा जिंक निकल मिला है, अशोक पिलर बना हुआ है इसमें और सामने सत्यमेव जयते लिखा है। अनाज की बाली का चिन्ह है, छात में छपाई का साल भी है और दृष्टिबाधितों के लिए बहुत अच्छे से किया गया। इसका डिजाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। धन्यवाद मित्रों, और आगे मैं बिल्कुल प्रयासरत रहूंगा, कोशिश है। देखिए समय का कई बार अभाव हो जाता है, पर आपके लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा और आपको लगातार मार्गदर्शन देने की बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी। और बाकी आप सहयोग करें, हम निरंतर इसे जारी रख पाएंगे। धन्यवाद।